खाना बनाओ तो दीपक खा सकता है। गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और जैसा कि टाइटल देख के आपको पता चल गया है कि आज मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाने वाली हूँ, जर्मन किचन, अबाउट जर्मन किचन। बहुत सारे मैंने रील्स बनाए हैं जो एक रियलिटी है यहाँ की। कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी इस वीडियो में, जो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या जर्मनी में, जो कुछ टाइम बाद अब मुझे पता चला इतने सारे घर चेंज करने के बाद। खुशखबरी ये है कि ये किचन जो है अब हमारा है। अब आप ये सोचोगे हमारा है मतलब तुम क्या बाहुबली जैसे किचन को उठा के लेके घूम बदले कथाएं भागी रखते हो गए सब जगह। यस, तो यहाँ पर जो है ये सब किचन आपका खुद का होता है। तो जब भी आप घर चेंज करते हो तो दिस इज़ योर किचन, तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो और आप जहाँ पर भी शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पर फिर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे अपन फर्नीचर करते हैं असेंबल एंड डिसेंबल। तो किचन बहुत अच्छे से सेटअप नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है अभी हमने रखी हैं, पर मैं आपको बताऊंगी। और प्लस मुझे आपको ये भी बताना है कि हम क्या चेंजेस करेंगे, क्योंकि अब बिकॉज़ ये हमने ऑलरेडी ख़रीद लिया है तो हम क्या क्या चेंजेस करने की सोच रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को फॉर श्योर हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हमको नहीं पता होता यार, हमें लगता है क्या यार किचन मतलब हम क्यों ख़रीदें किचन, उसका कोई वैल्यू है या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। तो वीडियो में मैं अपना किचन टूर दूंगी, मैं कुछ रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी, कुछ बनाती हूँ आज अपने किचन में, और मैं यहाँ पर क्या क्या रखती हूँ, कौन से तड़के मसाले ये सारी चीज़ें वो भी बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, ये ऊपर जो है आइडियली यहाँ पर किचन लिखा रहना चाहिए था, पर यहाँ पर हम लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने शिफ्टिंग करी है और शिफ्टिंग के टाइम पे हमें जो इसके लेटर्स हैं वो नहीं मिल रहे थे। 5-6 लेटर्स मिले, उसमें से जो बेस्ट था वो हम बना इसीलिए, पर आइडियली यहाँ पर किचन होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने जो अपना बार टेबल था वो रखा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास जो प्लांट था वो रखा हुआ है। अभी हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, जो पुराना सामान था उसमें से हम कुछ लाए थे तो वो हमने यहाँ डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा वहाँ पर जब रात होती है तो लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो हमने वो लाइट से डेकोरेट किया है। सो, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है वो गैस है, जो इंडक्शन गैस होता है वो भी आपके किचन है उसमें इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको स्टोरेज है, तो काफ़ी सारा स्टोरेज इस तरफ है और उस तरफ भी है। ये चिमनी है और यहाँ पर अच्छा खासा स्लैब है तो आप काम कर सकते हो, प्लस यहाँ पर भी रख सकते हो। और हम लोग यहाँ पर कुछ स्टूल रखने की सोच रहे हैं कि अगर हम खाना, जैसे मैं खाना बनाऊँ तो दीपक खा सकता है, या हम लोग गरम गरम चाय वगैरह पी सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर दो अच्छे से बार स्टूल्स जो होते हैं, बार चेयर्स होते हैं, वो लेंगे। तो इस तरफ जो है वो ऐसा दिखता है। अगेन थोड़ा बहुत हमने ये ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट डालने के लिए, थोड़ा ग्रीन दिखता है इस वजह से ये रखा हुआ है। और अब आपको मैं उस तरफ दिखाती हूँ। तो उस तरफ तो है गैस वगैरह जो मैंने आपको दिखाया, चिमनी वगैरह, स्टोरेज है। इस तरफ है ये है डिश वॉशर। ये डिश वॉशर जो है ये बड़ा है, जैसा हमारे पुराने घर में जो थे वो छोटे डिश वॉशर थे, तो दिन भर में एक बार हमें ये चलाना पड़ता है। ये हो गया डिश वॉशर, यहाँ पर स्टोरेज है और यहाँ पर भी स्टोरेज है खाने वगैरह रखने के लिए। ये जो है वो है माइक्रोवेव, तो यहाँ पर जो फिटेड माइक्रोवेव है वो भी होता है। ये है रेफ्रिजरेटर और यहाँ पर भी स्टोरेज है। तो अब क्या है, ये रेफ्रिजरेटर जो है ये छोटा है, तो हम लोग क्योंकि अब हमने खुद ख़रीद लिया है तो हम चेंज कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम बड़ा रेफ्रिजरेटर जो है वो इंस्टॉल कराएंगे और ये जो है ये उस तरफ आ जाएगा। पर आप मुझे आइडियाज़ बताना और क्या कर सकते हैं जो अभी हमने सोचा है। अब यहाँ पर जो है वो टॉवल है, तो बार बार हाथ पोछने के लिए यहाँ पर काम आएगा। और ये है हमारी इंडियन ग्रॉसरी,
जो अभी अभी आई है मैंने अनपैक भी नहीं की है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही इससे शेयर करूं कि क्या आया है। और ये जो है ये जमुना से मैंने मंगाया है, तो बाहर स्नो हो रही है, इतना गंदा माहौल हो रहा है, ग्रॉसरी स्टोर जो हैं वो दूर हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि भाई जमुना से मंगा लो, घर पे ये कार्टन्स आ जाते हैं तो महीने भर की ग्रॉसरी जो है मैं यहाँ से मंगा लेती हूँ। प्लस बहुत अमेजिंग ऑफ़र होते हैं, जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे डील्स पे अप टू 40% ऑफ था और मेरे को बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल गई, तो आप भी यहाँ पर ले सकते हो। पर हम देखते हैं क्या है इसमें। अब मैं आपको देखो ये ऑफ़र्स हैं जो आपको हर कभी मिल सकते हैं, आप जमुना की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो अभी अभी लॉन्च की हैं, जो कि आई थिंक हम सभी लोग जो है वो वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हरा धनिया, हरी मिर्च। तो देखो कितने अच्छे से पैक हुआ है धनिया, ओके, बैगन, देन मैंने मंगाया है मेथी क्योंकि अभी मेथी वाला मौसम हो रहा है बाहर, देन गुड़ भी मंगाया है इधर से, अदरक, लौकी एंड ग्रीन मिर्च, आई थिंक ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। और इसके अलावा लेस एंड चटाका। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, तो गाइज अब क्या होता है ना, सब्ज़ी आ गई। अब सबसे बहुत मुश्किल काम यहाँ पर होता है जब आप वर्किंग होते हो या फिर हर दिन खाना आपको बनाना पड़ता है, रेस्टोरेंट्स जो हैं यहाँ पर महंगे हैं, तो सबसे डिफ़िकल्ट होता है रोटी बनाना। और मैंने जैसा आपसे बोला था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स भी, तो रोटी के लिए मैं जो है वो ये मंगाती हूँ, जो कि एकदम सफ़ेद रोटी जैसी अपनी रोटी होती है, इसको सेक लो, कोई भी सब्ज़ी या वेजिटेबल्स बना लो और खा लो, जो कि मैं नॉर्मली जो भी पिसार्स होते हैं या ऑफिस डेज होते हैं उस टाइम पे हम लोग यही करते हैं। तो ये जो है ये टिप है। इसके अलावा मैंने अचार और जो नॉर्मल मसाले हैं, दाल है, आटा है, चावल है, वो सारी चीज़ें मंगाई है। और ये बहुत सारा सामान है क्योंकि ये पूरा एक महीने का सामान है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार जाऊँ ग्रॉसरी स्टोर ढूँढूँ फिर वहाँ से लाद के लेके आऊँ, तो ये बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए और मेरे किचन में स्टोरेज भी बहुत है तो मैं ये रख सकती हूँ वहाँ पर। चलो भाई मैंने आपको बता दिया, जमुना से आई थिंक हल्दीराम की काजू कतली भी आई है, तो यस। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि जमुना पे आप 29 यूरो से ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो फ्री डिलीवरी होगी, आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी, मतलब घर पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और इतने फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, मैंने एक बार और पहले मंगाया है कि मतलब आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने यार कहीं ऑनलाइन कुछ मंगाया है, क्योंकि बहुत फ्रेश है। प्लस पैकिंग आप देखो कितने अच्छे से पैक किया हुआ है, जो आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। जनरली हम लोग जर्मनी में सब कुछ स्टोर करके ही रखते हैं यहाँ पर, हरी मिर्च, हरा धनिया और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, क्योंकि हर रोज़ नहीं जा सकते, जैसे इंडिया में अपन का ठेला वगैरह होता है तो हम लोग चले जाते हैं, तो बहुत बहुत फ्रेश होती है वेजिटेबल्स। तो मैं सोच रही हूँ अभी क्या बनाऊँ, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो जब तक मैं सोचती हूँ आप वीडियो को लाइक करो, और अगर आप जर्मनी या यूरोप में रह रहे हो तो जमुना इज़ द बेस्ट वे जब आपको ऑनलाइन ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी या एशियन ग्रॉसरी जो है वो मिल जाएगी। जब तक मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ मैं। और हाँ, मैं आपको जो 5% मेरे सब्सक्राइबर्स को है, वो न्यू अगर आप कस्टमर हो तो आपको डिस्काउंट कूपन भी दे रही हूँ, जिसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और जमुना की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। पर अभी मुझे कुछ बनाना है अपने किचन में, तो मैं सोच रही हूँ लौकी ही बनाई जाए क्योंकि ये बहुत फ्रेश है। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक्चुअली यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। जब तक आप लोग कमेंट करना कि आप लोग क्या बनाते हो नॉर्मल डेज में, अगर जर्मनी या यूरोप में रहते हो। इंडिया में तो चलो अपने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनती है, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, प्लस हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम लगता है। सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पर रेडी है, मतलब काट कूट के। और ये देखो यहाँ पर जो है बल्ब है, तो ये लाइट यहाँ
यहाँ पर जल जाती है। आई थिंक इंडिया में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। एंड चलो भाई बनाते हैं लौकी। आई थिंक सभी जब तक मेरी सब्जी बन रही है, देखो यहाँ पर है ये चिली, सारा सामान निकाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये मैंने रसगुल्ले मंगाए हैं, व्हाट अ पैकिंग, एंड कड़ी पाउडर, और ये हीर के राइस जो हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, चाय पत्ती, अदरक, अचार, अचार भी देखो कितने अच्छे से पैक हो गया है। और मैं यहाँ सॉर्टिंग कर रही हूँ कि मुझे मंडे ट्यूसडे एंड सब क्या क्या बनाना है, और गुड़, और आई थिंक सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, देखते हैं। हमारी सब्जी जो है वो हो गई है, मैंने जमुना के जितने भी पैकेट हैं देख लिए कि सब कुछ आया है या नहीं आया, तो सब कुछ आ गया है और 2 दिन में डिलीवरी हो गई है। हाँ, तो फ्रेश आइटम्स अगर आपको मंगाना है तो 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रही हूँ 5%, जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा देती हूँ। और आपको मेरा किचन कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ वो भी मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग ये जो सब्ज़ी है, वो जो रोटी मैंने आपको बोला था वहाँ से मंगाई है, उससे खाऊंगी। और दीपक को भी अभी सो रहा है वो, तो उसे उठाते हैं, वो दोपहर में सो रहा है, संडे है, और हम लोग खाएंगे। और आप लोग ज़रूर डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द टाइम जो आपको करना है करो, पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जमुना से ऑर्डर करना मत भूलना। बाय बाय।